सो हेलो एवरीबॉडी, यू नो व्हाट्स, वेलकम बैक टू सिंग गेमर। गाइस गाइस गाइस, आज की वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, बिकॉज की आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको फीचर्स के बारे में जो कि रियल क्रिकेट 22 में निकल के सामने आ रहे हैं, और आगे भी अच्छे फीचर्स आएंगे जिसके बारे में आपका भाई आपको डेली बाई डेली अपडेट करता रहेगा। आप डेली बाई डेली नहीं, मेरे कहने का मतलब अगर अब इन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया या फिर कोई दूसरा भी इन्होंने कुछ भी लॉन्च कर दिया दूसरा ट्रेलर, तो उसमें भी अगर जो चीज़ आएंगी तो बता दिया जाएगा, वरना तो फिर जब गेम लॉन्च हो जाएगा तभी बताऊँगा। और वैसे भी मैं रोज़ खोजता रहूँगा वीडियो में कहीं ना कहीं से यार कोई भी फीचर मिल जाएगी। मैं सुबह से लिटरली बोल रहा हूँ 10 से 15 बार मैंने ट्रेलर देखा, उसके बाद मैंने सारे फीचर्स इकट्ठे किए, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ऐसे फीचर्स हैं जो पहले थे बट उतने जा रहे अच्छे नहीं थे, अब उनमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ला दी गई है। और ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि अभी तक एंड्रॉयड क्रिकेट हिस्ट्री में कभी आए नहीं है, यहाँ तक कि WCC 3 में भी नहीं आई, WCC 2 में भी नहीं आई, जबकि जानते हो WCC 3 नेक्स्ट वेव वालों ने अपने जाने में कितनी अच्छी गेम बनाई थी, बट उसमें भी ये फीचर नहीं आया जो कि रियल क्रिकेट 22 वालों ने लाई है। भाई मानना पड़ेगा बहुत अच्छा गेम बनाया इन्होंने और बहुत मेहनत की इन्होंने, और उसके बाद जो ग्राउंड से काफ़ी अच्छे ग्राउंड्स इन्होंने बनाए, पूरा रियलिस्टिक स्टेडियम बनाया इन्होंने, मतलब सारी चीज़ें इनकी अच्छी है, सारी की सारी चीज़ें अच्छी। तो चलो बढ़ते वीडियो की तरफ, बताता हूँ आपको कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, और जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया था। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी मोर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस फीचर्स पहले मैं ग्राफिक्स की बात कर लूँ जो कि काफ़ी अच्छी है, उसके बाद अभी आप एक चीज़ देखो जो यहाँ पर रिपोर्टिंग हो रही है उसके पीछे जो कट सीन आ रहे हैं वो भाई क्रिकेट 22 की तरह बिल्कुल आ रहे हैं, जैसे कि आप देखते हो इस समय क्रिकेट 22 में। उसके बाद भाई जो टॉस का सिस्टम है ये काफ़ी अच्छा कर दिया गया, पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा ओपी कर दिया गया। उसके बाद एम्पायर्स देख लो, इनकी बॉडी देख लो, उनके टेक्सचर्स देख लो भाई, काफ़ी अच्छी कर दिए गए हैं, बॉल अपने हाथ में लेके आ रहे हैं। और भाई साहब आप देखो सबसे बड़ी चीज़, ये जो प्लेयर्स हैं इनके हाथ में इनके नी गार्ड्स हैं जिन्हें आप कह सकते हो यार, वो इनके हाथ को जो आपकी नीज़ होती है उनको बचा के रखा है, आपके ये क्या कोहनियों को बचा के रखा है, वो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद भाई आप शॉट्स देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स आए हैं, और इसमें अभी और भी फीचर्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और भाई कैच फील्डिंग तो इन्होंने इतनी ज़्यादा इंप्रूव कर दी, इतनी ज़्यादा इंप्रूव कर दी जिसे देख के आप कहोगे हाँ भाई कुछ तो फील्डिंग है, फील्डिंग में तो इन्होंने कुछ काम किया है। और इसके बाद यार आप बॉलर्स के रिएक्शंस देखो, क्या रिएक्शंस ये दे रहे हैं बॉलर अपने, इनकी बॉलिंग जब मिस हो रही है तो क्या ये रिएक्शंस दे रहे हैं वो देखो आप। के बाद इन्होंने वेदर कंडीशन और टाइम इतना अच्छे से सेट किया है भाई, जो समय रहेगा उसके मुताबिक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। और इसी के साथ विराट कोहली सेलिब्रेशन आपको देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा, कितना क्राउड है स्टेडियम में, क्या अच्छा लग रहा है, ये प्लेयर देख लो कितना रियलिस्टिक लग रहा है और रियल फेसेस है। और यहाँ पर आप शॉट देख लो भाई, क्या 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 शॉट है, यहाँ पर डिफेंसिव शॉट मार रहा है प्लेयर, और यहाँ पर पुल कर दिया है शॉट, और फिर यहाँ पे देखो यार इसे कहते हैं ड्राइव, देखो बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट्स के फीचर इन्होंने इसमें ऐड किए हैं। और यहाँ पे बॉलर, यहाँ पे एज का भी फीचर है, एज कैच का फीचर, और ये फील्डिंग देखो इन्होंने फील्डिंग कितनी ज़्यादा इंप्रूव की है, क्विक थ्रो फीचर है किक, और भाई इसमें फील्डर ज़रा सी भी देरी नहीं लगा रहा है, और फटाक से ये देखो यहाँ पे इन्होंने पुश कर दिया पीछे की तरफ। और भाई ये आप बैट से बॉल टच नहीं हुई थी, बैट से हुई नहीं थी यार, वो लेग पे लग के चली गई, उसका रन मिल गया, ये काफ़ी बेहतरीन फीचर। उसके बाद भी अभी बहुत सारे फीचर्स है, ये देखो अंपायर अपना नया है और क्या एनिमेट किया गया, एनिमेटेड एकदम मस्त फीचर। और उसके बाद यहाँ पे ग्राफिक्स देख सकते हो, स्टेडियम का कट सीन आपको दिखाया जा रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है। और अभी जैसे जैसे गेम स्टार्ट होगा वैसे वैसे क्राउड बढ़ता जाएगा गेम में। और यहाँ पे देखो ये सबसे बड़ी बात है, जो आपको ये फुल आर्म मिल रहा है, ये जो फुल आर्म टी शर्ट मिल रहा है ये अभी तक किसी गेम में नहीं मिला, जो कि यार आपके पूरे बाजू से पूरा हाथ ढक के रखे है, कहीं नहीं बस आपको क्रिकेट 22 और क्रिकेट 19 और आपको PC गेम्स में देखने को मिला था, यहाँ तक कि WCC 3 में भी देखने को नहीं मिला था, जो कि रियल क्रिकेट 22 में देखने को मिला है ना कमाल की बात। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, लगते हैं 100 लाइक का एम, और चलो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ क्योंकि मैं ऐसी अपडेट्स आपको देता रहूँगा। उसके बाद इन्होंने अलग अलग कैमरा एंगल्स लाए हैं, उसके बाद बहुत अच्छा रिप्ले सिस्टम इन्होंने अपना कर दिया है, पहले के मुताबिक बहुत अच्छा रिप्ले सिस्टम कर दिया इन्होंने, और क्या ही मैं बताऊं, मतलब कि बता नहीं सकता यार कितना मस्त कर दिया। उसके बाद एम्पायर को इन्होंने इतना अच्छा से डिटेल्ड किया है, बहुत मज़ा आ रहा है गेम की ट्रेलर देख के, मैं बता रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, ये गेम बहुत अच्छा लगा, इसका ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप मुझे कमेंट करके बताना मैं इसका गेम प्ले अपलोड करूँगा या फिर नहीं। और यहाँ पे देखो यार क्या कटसीन्स आ रही है, प्लेयर्स अपने से बात कर रहे हैं और रियल फेसेस, सारे प्लेयर्स के रियल फेसेस होने वाले हैं, और कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनके रियल फेसेस नहीं दिखने को मिलेगी, जहाँ तक इन्होंने कोशिश की है सबको रियल फेस देने की कोशिश की है,
तो यार चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आपको ब्रॉडकास्ट के पूरा ब्रॉडकास्ट आपको कैमरा देखने को एंगल मिल रहा है पूरा एकदम फुल, और यहाँ पे जो स्कोर बोर्ड है वहाँ पे भी आपका स्कोर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे एक बड़ी बात है, जब आपका प्लेयर शॉट कर रहा है तो जो फील्डर है भाई, जो फील्डर है वो आगे वाले फील्डर कह रहा है कि भाई तू गेंद रोक ले, तू गेंद रोक ले, अगली बार मैं अच्छे से काम करूँगा। देख रहे हो, उसने बोला भाई तू गेंद रोक ले, मैं अगली बार अच्छे से काम करूँगा, अभी तू संभाल ले। और ये बहुत बड़ी बात है। और अभी मैं आपको एक MS धोनी का थ्रो फीचर भी दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एज फीचर, आपके बैट से एज लगी और फील्डर के हाथ में गई बॉल और आप आउट हो गए, ये भी बहुत कमाल का फीचर आपको दिया गया है। उसके साथ बहुत सारे कटसिंस दिए गए हैं और आपकी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी सारी सॉल्व कर दी गई। और यहाँ पे जब स्टम्प्ड आउट हो रहा है बल्लेबाज तो वो भी देखने लायक सीन है कि यार वो पीछे मुड़ के देख रहा है कि यार मैं आउट हो गया और यहाँ पे गेंद को लीव कर दिया, इसने कहा भाई ये खेलने लायक गेंद है ही नहीं, इसको हम खेलेंगे ही नहीं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे फीचर्स जिनको देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखो यहाँ पे बॉलर ने बॉल फेंकी, उसके बाद कैच कर लिया और भाई आप सेलिब्रेट करो भाई, तू अभी धनुष निकाल ले और धनुष मार दे भाई। मतलब ऐसे ऐसे कटसिंस और इन्होंने मतलब आपको रियल क्रिकेट 20 में देखने को मिली नहीं थी और आपको आपने उसे कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। उस बाद आप वेदर कंडीशन देख लो, क्या मस्त इन्होंने टाइम सेट किया है। यहाँ पे इवनिंग हुई है, लग रहा है भाई कि इवनिंग हुई है भाई, रियल क्रिकेट 20 में ऐसा लगता नहीं था। अब यार तो कट सीन्स, और उसके बाद इन्होंने दो से, मेरे ख्याल से यार अभी मैं श्योर नहीं हूँ बट ऐसा लग रहा है इन्होंने 2 से 3 शर्ट दिए, कपड़े दिए हैं, जैसे कि ODI का अलग से, T20 का अलग से। और ODI का आपने देखा था अभी ट्रेलर में, ODI का जो कपड़ा था, उसके बाद ये T20 का मेरे ख्याल से ऐसा ही इन्होंने किया। ये तो और बड़ी अच्छी बात हो गई। और भाई जो फुल आर्म टी शर्ट है ये अभी तक किसी भी गेम में नहीं आई थी। और सबसे बड़ी बात, आप यार पिच की कट देख लो, पिच पे जो क्रैक पड़ी हुई, क्रैक हुई है पिच, वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहद है, काफ़ी शानदार है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मिस फील्डिंग का भी फीचर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि आपको 100% कैच लेगा प्लेयर, वो कैच को मिस भी कर देगा और वो फील्डिंग को मिस भी कर देगा और बॉल चल जाएगी बाउंड्री के पास। और भाई इस समय रियल क्रिकेट में चश्मा लगाया गया है प्लेयर को, आप देख सकते हो, अभी तो मेरे ख्याल से नहीं लगाया गया था चश्मा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये देखो MS धोनी बैक थ्रो फीचर, जो कि भाई MS धोनी बिना देखे पीछे थ्रो कर देते हैं और स्टंप पे लग जाता है, वो वाला फीचर भी ऐड किया गया है जो कि काफ़ी शानदार है। और उसके साथ भी बहुत सारे फीचर्स, और ये वाला फीचर देखो, वाह भाई वाह, अगर यही कैच होता तो प्लेयर कैच आउट हो जाता बट नहीं हुआ। तो अभी आगे और भी सारे फीचर्स है, बिना हेलमेट का प्लेयर स्पिनर्स के खिलाफ बिना हेलमेट का प्लेयर खेला, ये भी काफ़ी शानदार फीचर है अपने आप में जो कि देखने को मिला। और भाई अगर गेम 2023-24 में और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और देखो यहाँ पे कैच का फीचर, कैच थ्रो देन कैच का फीचर, प्लेयर कैच करके फेंक के फिर उसको कैच कर रहा है, ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर ला दिया गया जो कि बहुत अच्छा लगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और आने वाली गेम्स में जो इन फ्यूचर आएंगी इनकी गेम 2023 और 24, वो और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ आएंगे बिकॉज की 22 ही इतनी लाजवाब है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।